हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डोम। अगर आपका बजट 20,000 है एंड इस बजट में आप अपने लिए कोई बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें कि सब फीचर्स एकदम तगड़े तगड़े लेवल के हो, देन आप सही वीडियो पे आए हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000। 20,000 के अंदर आप जो जो स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हो सभी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, तगड़ा कैमरा, हाई रिफ्रेश रेट, कर्व डिस्प्ले, मतलब कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सभी स्मार्टफोन का जो प्राइस है 1,000 से 2,000 रुपये अप डाउन होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एंड स्मार्टफोन लेने से पहले आप एक बार अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ भी आपको 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट वैल्यू है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। अगर आपको पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है पोको की तरफ से पोको X5 Pro 5G। वैसे तो जो इसका प्राइस था वो 23 से 24,000 के करीब में था, बट अभी के टाइम पे बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के ये स्मार्टफोन आपको 20,000 में आराम से मिल जाएगा। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपको एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। फोन को अलग करने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक सेंट्रल 12 के साथ आता है। 5,000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.67 inch का फुल HD प्लस 10 bit सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 900 nits का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, एंड कोर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, एक्सीलेंट लेवल का डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट, परफॉर्मेंस भी इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मीडियम टू हाई सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का प्राइस 17,999 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये। मैडम, थोड़ा सा और अगर तरफ बात कर लेते हैं चौथे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर में रैंक करता है वो रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 12 प्रो 5G। अगर आपको कंप्लीट पैकेज वाला एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, और ये स्मार्टफोन ऑटो लॉक सेंट्रल 12 के साथ आता है। 5,000 mAh का बड़ा बैटरी है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.67 inch का 10 bit सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 900 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, एंड कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP जिसमें लगा सोनी MX766 वाला सेंसर, प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा, एंड इसके फ्रंट वाले कैमरे में आपको सोनी MX471 का सेंसर देखने को मिलता है। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें लगा है MediaTek Dimensity 1080 का 5G चिपसेट, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल मिल जाएगा। मीडियम टू हाई सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस 20,999 रुपये, यानी कि 21,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। मैडम, थोड़ा सा और अगर तरफ बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो लाभा की तरफ से लाभा अग्नि 2 5G। अगर आपको कंप्लीट पैकेज अच्छा एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो।
गाइस इसमें भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सिंगल वन स्टेज स्पीकर है, इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। नए 3.5mm का हेडफोन जैक लगा सकते हो। फोन कॉल लेकर एक इन डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4700mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए, 66W का इनबॉक्स चार्जर भी। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट रिलेटेड फीचर के बारे में, यानी कि इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.78 इंच का 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 915 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड स्काउट सेंसर का ग्लास प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा, 20,000 के आसपास में यही स्मार्टफोन है जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। मूवीज देखने में काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। कैसे इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का है, डेलाइट में अच्छा परफॉर्म करता है एंड लो लाइट में ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टी 7050 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु उसका 5,20,000 के करीब में। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 19,999 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये, 1,000 से 1,500 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 60 Pro 5G। इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है। डुअल स्टोरेज स्पीकर, इसमें आप दो सिम लगा सकते हो बट एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। नए 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि फोन कॉल करने के लिए इन डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए, 67W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.7 इंच का फुल HD प्लस 10-bit सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 915 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। जब आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो आपको ये प्रीमियम टाइप का फील कराएगा एंड कंटेंट वाचिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसके बैक में 100MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 2MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस आपको डिसेंट टाइप का मिल जाएगा, डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टी 7050 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु उसको 5,50,000 के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे गेम प्ले कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस 21,999 रुपये, यानी कि 22,000 रुपये, 2,000 के इंस्टेंट कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाले जो वेरियंट आपको 20,000 में देखने को मिलेगा। मैडम थोड़ा सा और आगे बढ़ते बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो इंफिनिक्स की तरफ से इंफिनिक्स GT 10 Pro 5G। ये स्मार्टफोन इस लिस्ट का सबसे नया स्मार्टफोन है एंड इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी कमाल का मिलता ही है एंड इसके साथ ही आपको बाकी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी और डस्ट रोक सकता है। डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब कि इसमें आप दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल करने के लिए डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 2 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए, 45W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 10-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 900 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड NEG ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले इसमें आपको बहुत ही अच्छा मिलता है।
बेजल्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, कलर साइज ब्राइटनेस सब कुछ आपको अच्छे लेवल का मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रैक में 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके फ्रंट में लगा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 2K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका डिसेंट टाइप का मिलता है, मतलब कि अबव एवरेज है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतु स्क्रो 7 लाख के करीब है। परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा ये स्मार्टफोन। लो टू हाई सेटिंग पे अच्छे से लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग यूजर्स के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 19,999 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये। 2000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, देन इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन है 18,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड 18 से 20,000 के अंदर अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज अलग अच्छा ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार करो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।